छह अलग अलग पुल हैं, कोई गिरा कोई ध्वस्त हुआ, तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, ऐसा है कि वो उसको आप आरजेडी के परसेप्शन से नहीं देखिए, पुल एक ही गिरा है, जो पुल भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले डेढ़ वर्षों से आरजेडी के पास ये डिपार्टमेंट था, माननीय उप मुख्यमंत्री इस विभाग के मंत्री थे। तो आरजेडी अगर प्रश्न कर रहा है तो एक महीने में तो ये पुल बना नहीं, अगर जिम्मेवारी बनती है तो ये आरजेडी के विभाग के मंत्री की जिम्मेवारी बनती है। अभी तो हम लोगों को तुरंत अभी डेढ़ महीना पहले बने ही हैं। दूसरी बात कि पुल सिर्फ एक ही गिरा है जो अररिया में हुआ है, जो ग्रामीण कार्यकर्ता, उस पुल पर हम लोगों ने बेजाब्ता 3 अभियंताओं को निलंबित किए हैं, हम लोगों ने उस पर कमेटी गठित की है मुख्य अभियंता के, एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट की लिखा है, हम समझते हैं विदिन 1 or 2 days रिपोर्ट आएंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और पहली बार हम लोगों ने ठेकेदार पे भी FIR का निर्णय किया है, सरकारी धन के दुरुपयोग का, कि अगर उसमें कोताही बरती गई होगी, SOP नहीं फॉलो किया गया होगा, तो उनके ऊपर भी FIR होगा, जो पहले कभी नहीं होता। दूसरी बात कि जो दो पुल गिरे हैं, दो पुल में जो शिकायतें आई वो सेंटरिंग का है, तो सेंटरिंग तो कभी हम भी घर में बनाते रहते हैं, कभी कभी सेंटरिंग गिर जाता है, तो दैट इज़ नॉट अ टेक्निकल इशू। वो लोग कह रहे हैं कि कुछ बगल के ग्रामीणों ने गिरा दिया है, वो बगल में पुल जाता है। ये वहाँ मोतिहारी में कहा गया कि सामाजिक तत्व जो पुल की ढुलाई हुई थी उसको गिराए हैं। नहीं नहीं, वो सब पर रिपोर्ट आ रहा है, मतलब मेरा कहने का मतलब है अभी तक जो माना गया है वो पुल के अररिया के अलावा कहीं ना कहीं कहीं कोताही नहीं बरती गई, कोई पुल बहुत पुराना था। लगता है तेजस्वी जब सरकार में थे तो कुछ अनियमितता हुई है कुछ? नहीं, वो मैं उस पर टिप्पणी कोई नहीं करूँगा, लेकिन अगर RJD ये टिप्पणी करती है तो मैं समझता हूँ कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी RJD की बनती है अगर वो प्रश्न उठाते हैं तो, क्योंकि पिछले 1.5 साल से विभाग उनके पास। आखिरी साल उपेंद्र जी राज्यसभा जाएंगे, NDA उम्मीदवार हैं, अच्छी बात है। आज ये भगवान सिंह कुशवाहा जी का भी नॉमिनेशन हुआ है, पुराने पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे, किसी तरह से विधानसभा में उनका टिकट कट गया था, तो उनको भी माननीय नेता ने विधान परिषद भेजने का निर्णय किया, भी अच्छा निर्णय। उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोगों के बड़े नेता हैं, हमारे एक अलायंस पार्टनर हैं, उनको भी राज्यसभा भेजना एक बड़ा अच्छा निर्णय।